ज़िला मुरादाबाद के मोहल्ला लाकड़ी वालान में मोहम्मद नईम साहब के मकान पर रोज़दारों को रोज़ा अफ्तार कराया गया। यहाँ पर पिछले 4 सालों से तरावी की नमाज में हाफिज़ मोहम्मद अनस साहब रोज़ाना 2 पारे सुना रहे थे। आज कुरान करीम मुकम्मल हुआ। इस मौके पर अफसर अली, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद मोहसिन, बासित अली, मोहम्मद सलमान वारसी, हैदर अली, आरिब वारसी, हाफिज़ मोहम्मद मुईन सामे, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल करीम, इस मौके पर मोहल्ले के वाहिद हुसैन, आरिफ हुसैन, आदिल हुसैन, आबिद हुसैन, सुहेल हुसैन बड़ी तादाद में हाजरीन मौजूद रहे। मेरा नाम हाफिज़ मुईन इकबाल है और आज नईम भाई के मकान पर कुरान मुकम्मल होने की खुशी में रोज़े का इत्माम, इफ्तार का इत्माम किया गया था। लगभग कितने पारे हो रहे हैं यहाँ? कंटिन्यू 2 से 12 सुना रहे थे। वो सुनाने वालों का नाम हाफिज़ मोहम्मद अनस है और यहाँ कंटिन्यू 3 या 4 साल से तरावी का इत्माम किया जाता है और माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया जाता है। अच्छा, ये होता है अक्सर ज़्यादातर लोग तरावी जी। हजरत, क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद अनस। आप यहाँ क्या कितने बारे सुना रहे थे आप? 2 बारे रोज़ हो रहे थे। तो आज मुकम्मल शरीफ क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? इस सिलसिले में ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो तादाद में आए और सवाब देना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद वसीम। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सबने सब हजरात ने यहाँ तरावी पढ़ी हैं, बहुत अच्छे से यहाँ इंतज़ाम रहा है। नईम भाई का बहुत यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम करा है इनका, सबकी तरफ से मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, सब इनके शुक्रगुजार हैं। नईम भाई की तरफ से भी शादी है। आज क्या प्रोग्राम होने की थी? आज रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम था नईम भाई के यहाँ, लाकड़ी उदान पीर गए थे। अच्छा, और इसके अलावा क्या प्रोग्राम रहेगा? यहाँ पे 4 साल से तरावी होती हैं, कुरान मुकम्मल बहुत अच्छे से तरह किया जाता है। करीब 4 साल से हम लोग तरावी कराते हैं, आज कुरान मुकम्मल है इसीलिए रोज़ा अफ्तार कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। कौन कौन लोग आपके साथ मौजूद हैं? हमारे साथ मोहम्मद वसीम साहब, मोहम्मद नईम साहब, मोहम्मद सलमान साहब, मोहम्मद मोहसिन साहब हमेशा साथ रहते हैं। भैया जी,